बात करेंगे रुद्रपुर की, जहां पर राधा स्वामी सत्संग घर से हुए ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। इस घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि चोरी की गई ट्रॉली भी बरामद की गई है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने खुलासा करते हुए कहा कि ट्रैक्टर चोरी के मामले में पुलिस ने कच्ची खमरिया के पास से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम बिक्की बजाज बताया है। बिक्की बजाज इससे पहले भी चोरी के लगभग एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। श्री गौरव कुमार के द्वारा एक तहरीर दी गई थी 4 अक्टूबर को कि इनका एक ट्रैक्टर चोरी हुआ राधा स्वामी सत्संग क्षेत्र से। उसके बाद इसमें घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें सीओ सिटी ओम प्रकाश जी और एसएसआई कोतवाली अर्जुन गिरी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। तो इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल पुलिसिंग का परिचय देते हुए इस घटना का 6 दिवस के अंदर तत्काल अनावरण किया और साथ में जो मुख्य इसमें अभियुक्त है विक्की बजाज और साथ में जो वाहन जो चोरी किया था ट्रैक्टर भी ट्रॉली जो है हम लोगों ने रिकवर करने में सफलता हासिल की है और बहुत ही इसमें मेहनत के साथ टीम ने काम किया और इसमें मैसेज हमारा बिल्कुल क्लियर है, जो भी अपराध कारित करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं कारित ना हो उसके लिए भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। सिस्टम पार्किंग का जो उस समय राधा स्वामी सत्संग के आयोजकों द्वारा बनाया गया था उसको एग्जामिन कर रहे हैं और उसके जो भी लूप होंगे उनको हम लोग इस बार ठीक करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं।